बोले आज फ्री हूँ, फ्री हूँ, आज साग पात कुछ नहीं लगा दी हूँ। काकू बोल रहे काकू की बर्थ का रीजन है ऐसा क्यों काकू को तेरे? ये मेरे को क्रोध में हाई कर देती है, फिर मैं खाना नहीं खाता, फिर मैं छोड़ देता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। सुबह आज हमारे घर में बहुत शुभ कार्य हो रहा है, हमारे घर में आज नौ ग्रह की पूरा है और आज वैसे भी मंगल आ रहा है, तो मेरा भाई मंगल आ गया। आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा कुर्ता पहनता हूँ क्योंकि मैं मंगलवार का फास्ट रख रहा हूँ, 21 मंगलवार। सो आज मेरा 18वां मंगलवार का पड़ता है और घर में, पूरे घर में भाई नौ ग्रह की पूजा की तैयारी चल रही है। और भाई आज मैंने पहली बार धोती पहनी है, सो पता नहीं मैं धोती में कैसा लग रहा हूँ। मैंने मतलब मुझे धोती पहननी आती नहीं थी, तो पंडित जी ने मुझे धोती पहनाई और मैं तो व्लॉग बनाया गया था, कोई सोच नहीं रहा था। तो मम्मी ने कहा व्लॉग नहीं बना रहा, मैं कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं। सो आपको मैं अभी दिखाता हूँ बाहर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती हैं नौग्रह में, वो सब बताता हूँ और चलते हैं। सो भाई ये विधि है और यहाँ पे देखो कुछ ऐसे कुछ बना रखा है और शायद ये एक नौग्रह की होते हैं क्योंकि चावल दाल दाल चावल वाल से बना रखा है। गणपति बापा इनकी पूजा होगी और मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। ये हर हर महादेव। जय हो पंडित जी। सुनाई कैसे हो? बस क्या वो इतना सुनीला कितने क्यूट लग रहे हैं, क्यूट बच्चे। सुनील को इधर बैठा था, जुड़ा हो जाता है। सुनील है, मैं शादी कर लगी है। शादी कर ले तो सुन जाएगा, बोल रहा हूँ। अब आपकी सुन मैं मिल जाएगा, बिल बैठी सुन जाएगी ना। सुन जाएगी शादी आएगी तो मैं पीछे आ जाऊंगा, सुन जाएगी बीबी आएगी भी यहाँ पे। क्यों सुनील आई, कब कर रहे हो? नवंबर में। किसकी बॉडी अच्छी है किसकी गंदी है वो मत करो भैया। सुनील भैया के मतलब खाली कंकाल टांगा। सुनील भाई की बॉडी है गिर गई। सुनील भाई गिर गया। भाई बोल रहे हो कि YouTube से लड़की ढूंढ दो मेरे लिए। कोई अच्छी से ब्लॉगर मिल जाए भैया को। चंदन लेना तो पीला वाला ऐसे ऐसे लगाना, इन हाथ इन दोनों में ऐसे लेके ऐसे चढ़ाना गणेश जी। आओ मैडम दिया था। ओम अगुं सुनाति अगुं सुहु प्रच्छदां वरुका वरुहु गंधा संकतं जवं सिद्धिर्भवत बहुदेवः तद्प्रसादात् गणेश्वरः ततो मुखशुद्ध्यर्थं तामित्वा चंद्रादित्या च धरणी विद्युदग्नी तदैव च। और ये हमारी छोटी भाभी है ममता मेहर, ये हमारी चाची छोटी चाची है माया देवी, वो हमारी भाभी जी है शांति देवी, वो हमारी चाची है बड़ी चाची हीरा देवी, ये हमारी दीदी है अनिता मोनी। क्या कहते हैं, आज मेरी बहन के वहाँ पूजा है, नवग्रहों की पूजा है, ग्रह पूजा है और पूजा में आए हैं हम लोग, सब लोग आए हैं पूजा में। ये देखो ये बंदा चाय दे रही है, ये वेटर हमारा चाय वेटर है, ये चाय दे रही है। एक एक यहाँ भी है, ये बर्तन धोने वाली आई है, बर्तन धोने वाली बुलाई है हमने। ये वेटर जी हम देखो कितनी अच्छी गुड़ की कटकी बनाई है, इसको हम 500 रुपए देंगे बर्तन धोएगी, एक दिन का बर्तन धोएगी 500 रुपए मिलेंगे। ये जल का है, जल का अपना मुंह दिखा दे, जल का है। झाड़ू पोछे वाली है हमारी, क्यों नहीं लड़की को देखने वाली थी, इसकी इसके इसके आया है, ये मैंने आया लगी आया है। मतलब एक दिन दी सब नदी, मतलब एक दिन दी तेनों का बार दिवाया, मतलब आज फ्री हूँ, फ्री हूँ, आज साग पात कुछ नहीं लगा दी हूँ। तो भाई अभी थोड़ी देर हमें रेस्ट निकलेगा, पंडित जी ने अभी पापा पूजा कर रहे हैं
सो भाई जी नौकरी की पूजा होती है उसमें कम से कम पाँच पंडित चाहिए होते हैं, तो पाँच पंडित जो होते हैं वो मिलकर पूजा करते हैं और ये पूरी नौ ग्रह की पूजा होती है। वैसे मैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे तो मैं थोड़ा बहुत सुन रहा था, तो उसमें मैंने ये समझाया कि हाँ भाई सद्बुद्धि ज्ञान धन और सुख शांति के लिए पूजा होती है घर में, क्योंकि नौ ग्रह की पूजा होती है पूरी, तो इसमें ऑलमोस्ट भाई 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो कम से कम 4-5 घंटे में 3 घंटे या 4 घंटे तक मैक्स पर हमें बैठना पड़ेगा पूजा में, पूजा करनी पड़ेगी, जो देवी देवताएं होते हैं हमारे उनको प्रश्न करना पड़ेगा। सो अभी तो पापा पूजा कर रहे हैं, पूजा अभी भी कंटिन्यू है, बट हम मम्मी मैं काकू भैया सुनील भैया और भाभी इनको रेस्ट दे रखा है और मुझे भी रेस्ट दे रखा है, उन्होंने कहा आप लोग अभी थोड़ा घूम सकते हो, ये कहा है सेब वेब खाना है, जिसको फल फूल खाना है वो खा सकते हो, और वैसे मैं तो मंगलवार का व्रत है तो मैं ज़्यादा कुछ खाता भी नहीं हूँ। इनका तो रोज ही व्रत रहता है, हमारा रोज का ही व्रत हाला, इनको सुबह इनको गुस्सा दिला दो इनका रोज का व्रत आता है। ये प्रिया महर है, ये खाए ना खाए एक जैसा ही है इनका हाल। काकू बोल रहा है काकू के व्रत का रीजन है ऐसा क्यों काकू तेरे? ये मेरे को क्रोध में हाई कर देती है, फिर मैं खाना नहीं खाता, फिर मैं छोड़ देता हूँ। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ मैं तो। बन्ने इतना काम कैसे कर लेते हो? ये हमारी काम दार का बोल रहा हूँ। यही तो कह रही थी त्रिपुरगारम करुणावतारम संसार सारम बुजगेंद्रहारम। सो भाई अभी शाम के 4 बज गए और मॉर्निंग से पूजा चल रही है, 10:30 बजे स्टार्ट हुई थी, तो बीच में ना हमें भी 1-2 घंटे का गैप मिल गया था कि रेस्ट कर लो, मतलब वो उसमें पंडित जी लोग कुछ करते हैं और हम लोग जो होते हैं उसमें रेस्ट कर लेते हैं, पंडित जी लोग पूजा करते हैं, तो अब जो होगा वो हवन होगा, जो बीच में वो बना रखा था ना उसमें हवन होगा। सो अब वो अब ऑलमोस्ट पूजा 1 घंटे की और रहेगी, उसके बाद 9 घंटे की पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और मैं तो सोचा था कि भाई 4-4:30 तक कंप्लीट हो जाता मैं अपना स्टेडियम में चले जाता खेलने और अपना शाम का मतलब जो रूटीन मेरा फॉलो होता है वर्कआउट का वो रूटीन मतलब मैं फॉलो रहता, बट अब शायद 4 बज रहे हैं, अभी चाय वाय पीते पीते 4:30 बज जाएंगे, फिर वो करेंगे स्टार्ट हवन, तो 5:30 में मुझे लगा 6 बज जाएंगे पूजा फिनिश होते होते। सो आज का मेरा शाम का रूटीन तो ऐसे ही रह गया, तो जैसे ही हवन वन होता है स्टार्ट वो मैं आपको दिखाता हूँ। बैठो सुनील भाई। मेरे साथ तो बैठोगे? सो फाइनली भाई पूजा मॉर्निंग में 10:30 बजे स्टार्ट हुई थी और वो भी सो रहे 5:40, पूजा भी खत्म हो गई, सारे यज्ञ वज्ञ खत्म हो गए और सुनील भाई अपने कपड़े अब चेंज कर रहे हैं, धोती से जीन्स में आ गए हम। सो भाई कसम से मैंने ये तो देखा कि हम पूजा वूजा करते हैं ना सुनील शांति मिलती है ना, मन की शांति, तो भाई प्रॉपर मन की शांति मिलती है और अलग अलग ज्ञान मिलता है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो अभी मुझे पता था यज्ञ ना औरतें नहीं करती हैं, ये चीज़ें भी पता चली, कुछ कुछ मतलब चीज़ें पता चलती हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, कुछ नई चीज़ें करते हैं नई चीज़ सीखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। सुनील भाई भी चेंज कर रहे हैं, सुनील भाई भी थोड़े देर अब मतलब हम डिनर विनर करेंगे, मैं तो मंगलवार का व्रत है मैं तो कुछ मीठा ही खाऊंगा, पर हाँ पूजा ये तो मैं जैसे मैंने नवरात्र में पूड़ी खाई थी एक, तो मैं आज माता के जो भी हमने पूजा की नौकरी की उस पूजा के तौर पर एक पूड़ी और बाकी जो मैं खीर जो मीठा खाता वो मैं खाऊंगा ही। और भाई आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, मेरे घर में जो पूजा हुई वो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना। तो आपसे मिलते सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।